मैं महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय का बेटा, मेवाड़ का राजा। ये जिस मिट्टी को तुम अपने खून से गंदा कर रहे हो ना, वो हमारे पूर्वजों की है और वो हम तुमसे वापस लेने आए हैं। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। ला रहे हैं अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म, जी हाँ, जिसका टाइटल होने वाला है महाराणा प्रताप। और दोस्तों आपको बता दें कि इतनी बड़ी फिल्म होने वाली है जो कि गदर 1, गदर 2 और बॉर्डर से भी बड़ी फिल्म होने वाली है। और सनी देओल बहुत ही अलग अंदाज में महाराणा प्रताप मूवी में बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। और मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है और इस फिल्म के लिए महाराणा प्रताप के रोल के लिए एक जोश और ताकतवर सुपरस्टार को चुनना जरूरी था। और इस रोल के लिए मेकर्स ने सनी देओल को ही चुनना जरूरी समझा, क्योंकि महाराणा प्रताप की जब डेथ हुई थी तो वो 56 साल के थे और सनी देओल 65 साल के हैं, इसलिए दोनों की एज में कुछ खास डिफरेंस नहीं है और सनी देओल इस रोल को बखूबी निभा सकते हैं। और ये फिल्म काफी बड़े लेवल की होने वाली है। फिल्म में सनी देओल लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म की बाकी कास्ट और रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई और फिल्म की शूटिंग को लेकर भी अभी कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि फिल्म जरूर बनेगी और बड़े लेवल और बहुत ज्यादा बजट के साथ बनेगी। और आपको बता दें कि सनी देओल अभी अपनी बहुत सी फिल्मों को लेकर आ रहे हैं, जिसमें बाप सूर्या अपने 2, बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 शामिल हैं। तो अब महाराणा प्रताप हमें कब देखने को मिलेगी, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि फिल्म हमें 2025 से पहले तो देखने को नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस मूवी को लेकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।